ओम शांति मेरा नाम मनु कुमार है मैं जलंधर से हूँ और मैं लगभग छः सात साल से सेंटर आता हूँ और मेरे सेंटर आने का जो माध्यम है वो जहाँ एक्चुअली मैं इधर जॉब करता हूँ तो वो जो बी के सुबह बहन है तो वो सेंटर आते हैं तो मैं उन्हीं के घर जॉब करता हूँ तो उन्हीं के माध्यम से मुझे सेंटर का पता लगा और मतलब मेरा आना जाना होता रहता था सेंटर पहले भी लेकिन धीरे धीरे उन्होंने इनकर्ज किया और जब मैं इधर आता था मुझे एक शांति की अनुभूति होती थी तो जब मैं सेंटर आने लगा और धीरे धीरे मुझे पता लगने लगा तो फिर मैं धीरे धीरे इसमें और ज़्यादा अंदर तक अनुभव करने लगा और जब भी मैं बाबा के पास आता था और उनकी प्यार का अनुभव करता था मतलब एक मुझे शांति थी मिलती थी मन में तो उस शांति को मैं अनुभव धीरे धीरे करने लगा उसके बाद फिर मैं हर भीरवार को आने लगा जैसे मतलब मेरा सेंटर आना जाना होता रहता था तो धीरे धीरे मुझे ज्ञान में आने का मौका मिला और उसकी वजह से मुझे बाबा मिलन का एहसास हुआ और इस ज्ञान में आने के बाद मेरी सारे जीवन में जो परिवर्तन आया वो मैं आपको बता नहीं सकता और राजयोगा मेडिटेशन सीखने के बाद मुझे अपनी ज़िंदगी जीने का मतलब एक अलग अलग ही अनुभव महसूस हुआ और इसको सीखने के बाद जैसे मेरी अपने जिन जीवन में भी जो जो मेरी परिस्थितियाँ आई हैं उनको मैंने अच्छे से सोल्व करना सीख लिया जैसे मैं आपको बताऊं कि जैसे जैसे मेरी शादी हुई तो जब हमारे उसके बाद जब हमारे दो बच्चे हुए तो वो एक अब नॉर्मल से थे तो उसको मैं लेकर बहुत कंफ्यूज रहता था लेकिन जब मैं ज्ञान में आने के बाद मुझे पता लगा कि आपके जो कर्म होते हैं वो आपके पिछले जो आपका भाग्य होता है वो आपके पिछले कर्मों का ही फल होता है तो ये जब समझ में मुझे आया तो मैंने उसकी टेंशन करना छोड़ दी और सब बाबा पे छोड़ दिया और धीरे धीरे मतलब अब मैं बाबा का ध्यान करता हूँ और अपने घर वालों को भी सबको बताता हूँ तो वो भी बहुत पॉजिटिव रहते हैं इस बारे में और अब इसकी वजह से मतलब मैं अपने सारे घर में भी सबको बताया हूँ सबको बताया है कि बाबा से ज्ञान लेना है और मेरे मम्मी पापा भी इसमें चढ़ने लगे हैं धीरे धीरे तो अब मैं बस सबको यही कहना चाहता हूँ कि आप राजयोग मेडिटेशन सीखें और इसको सीखने के बाद अपनी ज़िंदगी को खुशनुमा बना लें ओम शांति